नमस्कार दोस्तों, बात करने वाले हैं दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट 2021 की वैकेंसी के बारे में। तो यहाँ पे ग्रुप सी की वैकेंसी निकाली गई है। पोस्ट की संख्या होने वाली है 417 और एज होने वाली है 18 से 27। इसके लिए क्वालिफिकेशन मांगी गई है 10वीं पास यानी 10th पास। ऑल ओवर इंडिया से इसके लिए लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, तो आप भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं चाहे आप इंडिया से कहीं से भी बिलोंग करते हो। पूरी जानकारी आप सभी को इस वीडियो में मिलने वाली है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और भी डेली गवर्नमेंट जॉब अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर एक अपडेट आप सभी को सबसे पहले मिलती रहे। तो दोस्तों यहाँ पे चलते हैं इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन की तरफ और आप सभी को पूरी जानकारी देते हैं कि किस तरीके से और क्या क्या क्वालिफिकेशन के साथ आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका जो ऑफिशियल नोटिस है वो जारी किया जा चुका है ऑफिस ऑफ द प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट सेशन जज एचओ दिल्ली वैकेंसी नोटिस। तो यहाँ पे जो इसका ऑफिशियल नोटिस है वो भी जारी कर दिया गया है, जिसके बारे में मैं आप सभी को जानकारी देने वाला हूँ। मैंने एक अलग से इसका शॉर्ट नोटिस बनाया है क्योंकि ये 11 पेज का नोटिस होने वाला है। मैंने इसे शॉर्ट करके आप सभी को जो जो मेन चीज़ें हैं वो चीज़ें मैं आप सभी को उस नोटिस में बताने वाला हूँ, ताकि आप सभी को पता चल पाए कि आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एज क्वालिफिकेशन वगैरह क्या मांगी गई है और कैसे आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं शॉर्ट नोटिस की तरफ और आप सभी को वहाँ पर पूरी जानकारी देते हैं। पे आप देखेंगे दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बरियस पोस्ट ग्रुप सी रिक्रूटमेंट 2021 अप्लाई ऑनलाइन फॉर 417 पोस्ट। तो यहाँ पे 417 पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। ग्रुप सी की यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई है दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की तरफ से। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हैज़ इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर द बरियस पोस्ट ग्रुप सी रिक्रूटमेंट 2021। इंटरेस्टेड एंड एलिजिबल कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर द दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बरियस पोस्ट ग्रुप सी रिक्रूटमेंट ऑनलाइन थ्रू ऑफिशियल वेबसाइट बिफोर 21 फरवरी 2021। तो यहाँ पे जितने पर एलिजिबल और इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैं वो 21 फरवरी से पहले इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन आपको इसके लिए अप्लाई करना होगा। किस तरीके से अप्लाई करना है वो भी मैं आप सभी को बताने वाला हूँ। वहीं पे अगर हम बात करें कि इसकी दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की जो रिक्रूटमेंट के बारे में 2021 के बारे में, तो यहाँ पर टोटल 417 पोस्ट रखी गई हैं, जिसके लिए 21 फरवरी लास्ट डेट आपकी रखी गई है। ऑनलाइन इसके लिए आपको अप्लाई करना होगा और इससे पहले कि आप अप्लाई करें तो आप इसकी पूरी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरा चेक कर लें ताकि आपको फॉर्म अप्लाई करने में कोई भी दिक्कत ना हो। अब बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ीस की। तो एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में बात करें तो जनरल और ओबीसी कैंडिडेट के लिए 500 रुपये फ़ीस रखी गई है। बाकी अदर कैटेगरी की बात करें जैसे एससी एसटी पीएच और ईडब्ल्यूएस के लिए यहाँ पे 250 रुपये फ़ीस पे करनी होगी। वहीं पे अगर हम बात करें तो फ़ीस आपको ऑनलाइन पे करनी होगी क्योंकि आपका फॉर्म जो होगा वो भी ऑनलाइन भरा जाएगा। तो इसकी फ़ीस भी जो होगी आपकी नेट बैंकिंग या डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड के थ्रू आप इसकी फ़ीस पे कर सकते हैं। अब अगली बात आती है एज लिमिट की। तो एज लिमिट आपकी काउंट की जाएगी 1 जनवरी 2021 से। तो 1 जनवरी 2021 को आपकी एज कम से कम 18 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम जो आपकी एज होनी चाहिए वो 27 साल होनी चाहिए। यानी जनरल कैटेगरी के लिए मिनिमम एज 18 साल और मैक्सिमम एज होनी चाहिए आपकी 27 साल। वहीं पे अगर बात करें अदर कैटेगरी के लिए, यहाँ पे जो होगा एज़ पर रूल आपको रिलैक्सेशन दिया जाएगा। यानी ओबीसी कैंडिडेट को यहाँ कैटेगरी के अकॉर्डिंग छूट दी जाएगी और एससी एसटी कैंडिडेट को भी यहाँ पे छूट दी जाएगी। जैसे ओबीसी के लिए बात करें तो 3 साल की छूट दी जाएगी, एससी एसटी के लिए 5 साल की यहाँ पर छूट दी जाती है। आगे बात करें तो यहाँ पे 417 पोस्ट दी गई हैं। तो यहाँ पे वैकेंसी वाइज यहाँ पे डिटेल में आप सभी को बताने वाला हूँ। जैसे कि अगर पहली जो पोस्ट दी गई है वो दी गई है पीओन की, जिसके लिए 280 पोस्ट रखी गई हैं और जिसके लिए अगर आप किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से भारत में कहीं से भी अगर आपने 10वीं पास कर रखी है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगली जो पोस्ट होगी सेकंड नंबर की पोस्ट रखी गई है चौकीदार, जिसके लिए टोटल पोस्ट रखी गई है 33। इसके लिए भी अगर आपने कहीं से भी 10वीं पास कर रखी है पूरे भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगली जो पोस्ट होगी नंबर 3 पर होती है स्वीपर और सफाई कर्मचारी की पोस्ट रखी गई है, जिसके लिए वैकेंसी की संख्या है 23। अगर आपने किसी भी भारत में मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं पास कर रखी है तो इसके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अगली जो नंबर 4 की पोस्ट आती है वो आती है प्रोसेस सर्वर। तो इसके लिए जो आपके पास होनी चाहिए 10वीं पास आप होने चाहिए और आपके पास LME लाइट मोटर ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए और 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। यानी अगर हम बात करें कि लाइट मोटर व्हीकल जो आपका रहेगा 2 साल पुराना आपका लाइसेंस होना चाहिए तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं प्रोसेस सर्वर के लिए, जिसके लिए 81 टोटल पोस्ट रखी गई हैं। अब वहीं पे अगर हम बात करें कि कैटेगरी वाइज यहाँ पे वैकेंसी डिटेल दी गई है तो कैटेगरी वाइज देख सकते हैं कि जनरल में कितनी वैकेंसी दी गई हैं। जैसे कि पियोन और ऑर्डरली डाक पियोन की जो वैकेंसी है टोटल यहाँ पे 280 पोस्ट हैं, जिन्हें डिवाइड किया गया। जैसे अदर के लिए 111 पोस्ट हैं, ओबीसी के लिए 76 पोस्ट हैं, वहीं पर ईडब्ल्यूएस के लिए 28 पोस्ट हैं, एससी के लिए 42 और एसटी के लिए 22 पोस्ट रहने वाली हैं।
इसी तरीके से आपको चौकीदार का अगर आप देखें तो चौकीदार का भी कैटेगरी वाइज यहाँ पर डिवाइड किया गया है, तो चौकीदार की भी कैटेगरी वाइज आप चेक कर सकते हैं। इसी तरीके से स्वीपर और सफाई कर्मचारी की भी पोस्ट को कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, आप अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग चेक कर सकते हैं। वहीं पे बात करें प्रोसेस सर्वर की, तो इसकी भी वैकेंसी को सेम इसी तरीके से डिवाइड किया गया है कैटेगरी वाइज। टोटल वैकेंसी की संख्या यहाँ पे आप सभी को बता दी गई है, ऊपर भी जैसा कि मैंने आप सभी को बता दिया था उसी तरीके से इन्हें डिवाइड किया गया है। अब बात करें कि आप इसके लिए अप्लाई कैसे कर सकते हैं, तो देखिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, इसके लिए अप्लाई भी कर सकते हैं। सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करके आप इसकी पूरी टर्म एंड कंडीशन या पूरा जो नोटिफिकेशन है उसे रीड आउट कर सकते हैं। वहीं पर अगर हम बात करें कि इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर भी जाके आप ऑनलाइन कर सकते हैं। वहीं पर बात करें कि हाउ टू अप्लाई, कैसे आपको इसके लिए अप्लाई करना होगा, तो अप्लाई के लिए जो भी इंटरेस्टेड और एलिजिबल कैंडिडेट हैं वो दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की वेबसाइट होगी बरियस पोस्ट ग्रुप सी के लिए आपको अप्लाई करना होगा ऑनलाइन, जो कि 21 फरवरी से पहले आपको अप्लाई करना होगा, क्योंकि 21 फरवरी 2021 इसकी लास्ट डेट रहने वाली है। अब बात करें कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स की, यानी इसकी ओपनिंग डेट कब से होगी, तो यहाँ पे आप सभी को बता दें 7 फरवरी 2021 से इसके जो फॉर्म होंगे वो भरने स्टार्ट हो जाएंगे। वहीं पे जो इसको क्लोजिंग डेट होगी वो क्लोजिंग डेट रखी गई है 21 फरवरी 2021, यानी 14 दिन के अंदर आपको इसका फॉर्म भरना होगा, 7 फरवरी से लेकर 21 फरवरी तक आपको टाइम दिया गया है। अब बात करें कि इसकी जो अप्लाई ऑनलाइन लिंक जो एक्टिवेट होगी वो 7/2/2021 को एक्टिवेट हो जाएगी, यानी 7 फरवरी 2021 को इसकी जो लिंक होगी वो एक्टिवेट हो जाएगी। वहीं पे बात करें कि अगर आप इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक हियर पे डाउनलोड कर सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आपके सामने इसी तरीके से पूरा नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो उस पर डाउनलोड नोटिफिकेशन पर जाके यहाँ क्लिक करने के बाद आप इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड कर पाएंगे। साथ ही में इस पर ऑफिशियल वेबसाइट जो दिया गया है इस पर क्लिक करने के बाद इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर भी आप पहुँच जाएंगे। आप सभी को बता दें जैसे इसका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म की लिंक एक्टिवेट होगी 7 तारीख को, यानी 7 फरवरी को, यहां पे आप सभी को क्लिक करना होगा, तो यहां पे क्लिक हियर आ जाएगा, क्लिक हियर फॉर अप्लाई, तो आपको क्लिक करने के बाद आप डायरेक्टली जाके वहां पे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तरीका केवल ऑनलाइन होगा, सारी चीज़ें मैंने आप सभी को एज क्राइटेरिया वगैरह बता दिया है, इसके लिए कोई भी आपका फिजिकल वगैरह नहीं करवाया जाएगा, केवल रिटन एग्जाम करवाया जाएगा। रिटन एग्जाम की जो डेट है वो अभी तक फाइनली अनाउंस नहीं की गई है कि कब तक किया जाएगा, हो सकता है कि बहुत ही जल्दी इसकी जो रिटन की डेट होगी वो भी आप सभी को अनाउंस कर दी जाएगी। जैसे इसके बारे में आगे की कोई भी अपडेट आएगी हमारे चैनल के माध्यम से आप सभी को इसकी अपडेट मिलती रहेगी। साथ ही में अगली जो वीडियो होगी इसकी जॉब प्रोफाइल और इसके लिए कैसे तैयारी करें उसके लिए भी एक अलग से सेपरेट वीडियो बना दूंगा, जिसमें आप सभी को अपनी तैयारी करने के लिए काफी हेल्प मिलेगी। तो उम्मीद करता हूं कि वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली अपडेट आप सभी को सबसे पहले मिलती रहे। तो दोस्तों फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, जय हिंद जय भारत। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका जो ऑफिशियल नोटिस है वो जारी किया जा चुका है, ऑफिस ऑफ द प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट सेशन जज एच ओ दिल्ली वैकेंसी नोटिस। तो यहाँ पे जो इसका ऑफिशियल नोटिस है वो भी जारी कर दिया गया है।